हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं चेतन सूर्यवंशी अपडेट्स। तो दोस्तों, ये मेरा हिंदी का चैनल है जिसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स और जो जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट होते हो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ हमारे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन जो है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि जो हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSLR कैमरे के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक कैमरे के शौकीन हो तो आपको बताऊंगा कि DSLR कैमरे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो है बेस्ट चार कैमरे के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और आपको जो है उनके बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे और मज़ेदार कंटेंट है, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। और जो है वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के लिंक जो है हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, DSLR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नल लेंस रिप्ले। बहुत कम लोगों को पता होता है कि सिर्फ उन्हें DSLR नाम पता है, यहाँ की बहुत से फोटोग्राफर जो है जो कि DSLR का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। लेकिन फोटोग्राफी ऐसी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है आने वाले समय के साथ, बहुत स्कोप है उसमें। तो उम्मीद है फोटोग्राफी में जो है आप अगर करियर करना चाहते हैं तो इन कैमरास की मदद से जो है आप उस फील्ड में आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर देता हूँ मैं। दोस्तों, पहले जो हम बात करने वाले हैं पहले कैमरे के बारे में, Canon EOS 1300D। दोस्तों, ये जो है सबसे सस्ता जो है DSLR में आता है। दोस्तों, ये जो है 18 मेगापिक्सल के CMOS सेंसर के साथ आता है। इसमें 1 क्रॉस पॉइंट के साथ 9A पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों, इसकी लेंस जो है IOS लेंस जो है वो 100 मेगापिक्सल से लेकर 6400 मेगापिक्सल के बीच में मेगापिक्सल तक है। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटर्नल लेंस के साथ, मतलब 12800 के IOS रेंज के साथ। ये जो है वाईफाई के साथ आता है, मतलब वाईफाई NFS के साथ आता है, मतलब आप जो वीडियो या फोटो क्लिक करोगे वो आपने वाईफाई के साथ ट्रांसफ़र करके आप अपने स्मार्टफोन में भी ले सकते हो। ये नए जो कैमरा आते हैं DSLR उनके साथ बहुत पॉसिबल होता है, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। अगर पुराने D31 अगर हम ले निकॉन के तो उनके साथ जो है फीचर नहीं आते हैं, तो उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम आती है हमें। अगर कहीं फोटोशूट पर जा रहे हैं हम जैसे लोग, तो उनके लिए जो है वो ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, ये सबसे सस्ता कैमरा DSLR का कैमरा है। इसकी प्राइस जो है अलग अलग वेबसाइट पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो लगभग 25,000 से लेकर 35,000 रुपये के बीच में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, आगे हम चल के बात करते हैं दूसरे जो है कैमरे की बात। दोस्तों, अगले जिस कैमरे की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है निकॉन D3300। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा कैमरा है जो कि ज़्यादातर फोटोग्राफर जो है इसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसमें जो है 1 क्रॉस पॉइंट के साथ 11 जो है A पॉइंट दिए गए हैं। इसमें जो है IOS रेंज जो है इसके 100 से लेके 12800 के बीच में रखी गई है। और ये जो है 16 FPS के साथ जो है बहुत अच्छी वीडियो और जो फोटो दे उसे अच्छी तरह से कैप्चर कर लेता है, मतलब फोटोग्राफर के लिए इसे हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। ज़्यादातर निकॉन के कैमरे हैंडल करना अच्छा होता है मेरे ख्याल से, तो ये जो कैमरा है उसमें बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, इसके अलग अलग इसमें जो है कम फीचर दिए गए हैं बाकी के DSLR में से कंपेयर करें तो, लेकिन इसकी प्राइस जो है अलग अलग वेबसाइट पे अगर कंपेयर करेंगे तो आप लगभग 26,000 से लेके 43,000 रुपये के बीच में आती है, जो कि अलग अलग वेबसाइट पे आप जब भी DSLR लो तो अलग अलग वेबसाइट पे कंपेयर करके लो, ताकि आपको जो है बाकी की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाती है, कहीं 26,000 रुपये तो कहीं लगभग 43,000 रुपये, 26 और 43 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, कोई डिस्काउंट देता है तो कोई हमसे ज़्यादा लेता है, इसकी वजह से जो है इसकी प्राइस जो है कम ज़्यादा होती रहती है। तो दोस्तों, अगले कैमरे की हम बात करते हैं। दोस्तों, उसका नाम है Canon EOS 750D। दोस्तों, ये उसका नाम है। दोस्तों, ये जो है कैमरा अगर आप नई फोटोग्राफी सीख रहे हैं या आप नए फोटोग्राफर हो तो आप जो है इसी कैमरे को परचेस करना पसंद करेंगे, क्योंकि कैमरा जो है टच स्क्रीन के साथ आता है, वाईफाई वगैरह बहुत सी फैसिलिटीज इसमें दी गई है। मतलब कैमरा तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फैसिलिटी जो हम एंड्रॉयड के साथ करते हैं लगभग वही करना है। आप इससे जो है टच करके ही फोटोज वीडियोज या बाकी की जितनी भी सेटिंग्स है वो टच करके ले सकती है। इसमें वाईफाई NFS तो होगा ही, साथ में जो है
इसमें जो है 18 मेगापिक्सल का जो है CMOS सेंसर जो है दिया गया है, और उसमें 11.8 क्रॉस ऑल टाइप दिए गए, ऑल टाइप एप सिस्टम जो दी गई है, जो कि शानदार वीडियो और फोटोज खींचने के लिए जो है अपनी जो है अलग छवि बना चुकी है। तो ये कैमरा काफ़ी अच्छा है, और अलग अलग वेबसाइट का अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो लगभग 47,000 से लेके 50,000 के बीच में या 55 तक की रेंज में जो है आपको जो है अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो कैमरा है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं निकॉन का जो है D5500। अब तक के देखे गए कैमरे में जो है सबसे बेस्ट अगर कोई कैमरा जो होगा तो ये है निकॉन का D3500। दोस्तों ये जो है खास करके कैनन का जो है EOS 750 जो है उसे टक्कर देने के लिए इसे खास करके बनाया गया है। ये भी फुल टच स्क्रीन के साथ आता है, वाईफाई फैसिलिटीज है, और इसमें जो है 39 जो है फोकस पॉइंट दिए गए, जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो और पिक्चर क्वालिटी है उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, और फोटोग्राफर के लिए जो अच्छे से ऑप्शन देता है। तो उम्मीद है आपको जो है फोटोग्राफी के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी कैमरे के बारे में और स्पेसिफिकेशन चाहिए और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या आप हमसे बनवाना चाहते हैं उसके बारे में वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप, या आप हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया उनकी लिंक जो है आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।